हेलो गाइस, सबको राम राम। कैसे हो सब? और बताते रहना भाई कमेंट में कैसे हो। और भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना यार। ब्लॉग से पहले बोल देता हूँ क्योंकि आप सब बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और नया हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट करो जब भी कुछ हो पाऊँगा। और ये कैसा लग रहा, सितारे उतारे देखो यार। और नया ब्लॉग इस वजह से है क्योंकि भाई आज मैं जा रहा हूँ गोवा, वो भी अपनी मम्मी के साथ। और मम्मी को गोवा घुमा लाता हूँ, एक तो तीर्थ कराया हूँ, एक तो मम्मी को घुमा लाया हूँ केदारनाथ, तो अब गोवा भी घुमा लाता हूँ। तो गोवा में मम्मी जैसे साइड हुई वहाँ पे थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं। और एक भाई रहता है वहाँ पे अपना, उससे ही मिलवाऊँगा। तो चलते हैं भाई, अभी रिक्शा आ गई नीचे, हमें जल्दी जाना है और T3 से फ्लाइट है। सबको बाय बाय और चलो आगे का ब्लॉग। कहाँ जा रही हो मम्मी? हैं? तो भाई मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ से अपनी ट्रेन मिल जाती है आसानी से जल्दी वहाँ एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 10 मिनट में। कितना इजी है भाई अपने घर से, तो मेरे घर से तो बहुत इजी है द्वारका से आना एयरपोर्ट बिल्कुल, और 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये रहा सामने एयरपोर्ट, लेट्स गो। बहुत भीड़ है भाई। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है, चेकिंग डन, सारी चीज़ डन। गेट नंबर 44 पे जाना है, अभी वहीं पहुंच रहा हूँ। और अभी पेप्सी ले लिया, खाने का ले लिया, मैं मोटू आ रहा पीछे। मोटो फ्लाइट में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग भाइयों अभी हम गोवा के एयरपोर्ट के बाहर से निकले हैं, अभी पैसे दिए इस गाड़ी के। अभी हमने लिया ये स्विफ्ट और ये हमें पड़ी है 1200 रुपये, और अभी इनको हमने 10,000 रुपये दे दिए हैं वैसे तो। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, मेरे एक दोस्त है उसके जान पहचान का एक वो है रिजॉर्ट, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर रहते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। जो हमने बुक कराया था वो हमने कैंसिल कर दिया है, उस पर मन नहीं कर रहा था जाने का हमारा। और चलो अब चलते हैं आगे, उधर दिखाओ। तो गोवा की एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को ये लगती है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 है, और क्या नाम है, बढ़िया हाईवे है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। और कुछ कुछ एरिया है वहाँ पे थोड़ा वो डाइवर्जन दे रखे होते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। और अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा और देखते हैं भाई, यहाँ पे सारे नारियल के पेड़ हैं सब बगल बगल में, नारियल ना,
और क्या हाल है। तो भाइयों ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में कसिनो है और ये सामने ब्रिज है, मंडोवी ब्रिज बोलते हैं इसको, बहुत फेमस है गोवा का। और ये बिल्कुल सीलिंग जैसे आपने मुंबई में वैसा लगता है। और ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको मैं, ये कसिनो है पूरे भाई। यहाँ पे आते हैं जुआ खेलेंगे दोनों माँ बेटा, पूरा बहुत पैसा लगाएंगे यहाँ पे। और बढ़िया व्यू है यहाँ पे, चलो सनसेट हो रहा, अच्छा सनसेट दिख जाएगा यहाँ से भी। और अभी पता नहीं कितना किलोमीटर है बचा हुआ। गाइस यार सनसेट देखो यार, इतना बढ़िया लग रहा है सामने, जबरदस्त। और ये राउंड अबाउट है, यहाँ से राइट लेना अपने को। और एक घंटे का रास्ता दिखा रहा था, हम यहाँ पे अभी 50 मिनट में पहुँच चुके हैं। अभी होटल यहीं पे है पास में, और अभी यहाँ से हमें बस 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। और भूख लग रही है बहुत तेज, और अभी जाके खाते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे फिश है जो फेमस है यहाँ पे, वो खाएंगे बिल्कुल भाई, और आपको भी दिखाएंगे। जो नहीं खाता होगा उसको पहले बता देंगे भाई मत देखो आगे, है ना मम्मी? क्यों किसी का जी खराब करना। तो अभी शोरमा लिया है भाई 100 रुपए का यहाँ पे, और ज़्यादा बढ़िया था इसका चिकन, अच्छा था। और क्या नाम है, अभी होटल यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है, बस निकल रहे हैं यहाँ से और जाके रूम देखते हैं। मम्मी बिल्कुल मस्त खा रही है। चलो भाई यार मम्मी का फेमस कर दो यार। भाई वो फ़ोन हो चुका था बंद, इस वजह से कुछ ब्लॉग नहीं कर पाया, रास्ते में कितना ही था, 5 मिनट का दूरी था। तो ये रूम मिला हमें 2000 रुपये में। और मम्मी देखो क्या कर रही है, फ़ोन चार्ज। और ये वॉशरूम है यहाँ पे कुछ। और होटल का टूर मैं आपको कल दूंगा, पता नहीं कैसा है, मैंने देखा नहीं अभी, क्योंकि सामने ही पूल है और वो जो खेलते हैं स्नूकर वाला पूल वो भी है, और बार भी है। हैं मम्मी? Yes. कौन सी बियर? कसिनो जाना है मम्मी को, कसिनो और बियर पियेंगी मम्मी। तो भाइयों अभी हम निकल चुके हैं बागा बीच के लिए, हमारे होटल से 8 मिनट की दूरी थी, 2 किलोमीटर। और अभी हम जा रहे हैं, मम्मी भी रेडी है, चलो अब वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में क्या ही दिखाऊँगा यार। भाई ये बागा बीच के एंट्री है, मेन एंट्री वहाँ से है, और ये क्या नाम कोई रेस्टोरेंट है उसके लिए, बढ़िया लग रहा है मस्त योगा। तो भाई ये है पूरा बागा बीच, ये फेमस है भाई अपना पार्टी के लिए, पूरी रात यहाँ पे पार्टी होती है भाई, कोई नहीं सोता है यहाँ पे, पूरी टाइम पार्टी चलती है, वहाँ पार्टी चल रही है बढ़िया भाई, दारू वारू चलती है यहाँ पे। मम्मी ऐसे ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते भाई इस बार। ओके चलो कोई मौका मिलेगा तो देखते हैं। वैसे भाई एक नंबर बैठने के लिए भाई सारी चीज़ें यहाँ पे, एक नंबर मज़ा आ जाएगा जैसे दोस्त वोस्त आए तो। और भाई मम्मी बना रही है अपनी वीडियो जो अपनी स्टोरी पे डाले, और भाई है तो बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों के साथ ही आने का फ़ायदा, घर वालों के साथ तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा यार, कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। भाइयों अभी आए हैं बोटल बे, और यहाँ पे कुछ ये दारू का ऐसा है रे। और मम्मी के लिए क्या, मम्मी कुछ मंगवाना है आपके लिए? नहीं। और खाने वाने का ये भाई इस तरफ है, अभी एक चिकन 65 मंगवाया और एक क्या नाम है फिश फ्राई मंगवाया मसाले वाले, पीछे भी है, पीछे मेन कोर्स है, ठीक था गया। मैं यहाँ पे तो आके महंगा होगा यार, बीच के जस्ट सामने है। तो इस खाना गाइस खाना आ चुका है, चलो अब खाना खाते हैं भाई, बढ़िया है, नाइस हैपनिंग प्लेस इन गोवा बागा बीच। तो भाई वो बात ऐसी है, आज का दिन हो गया अंत, और क्या नाम है अभी बज रहे हैं 11:30, और हम आ चुके हैं बागा बीच से, मम्मी को घुमा लाया पूरा बागा बीच, और पहली बार मैं भी खुद गया हूँ बागा बीच पे। सही है पार्टी वार्टी करने के लिए किसी अपने दोस्त वोस्त के साथ, मम्मी मम्मी के साथ तो बर्बाद ही है, पैसे कहीं पर जाओ तो कुछ करने ही नहीं देती, ना तो खुद करती ना कुछ दूसरे को करने देती। और फिर अब भाई चलो दिन का अंत करते हैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और जो गोवा से देख रहा भाई थोड़ा बता दो कैसा लगा भाई, और क्या नाम है कल से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे 3-4 दिन।
और उसके बाद फिर 2-3 दिन मेरे को कुछ काम है पर्सनल, तो मैं शायद से ही कुछ वीडियो बनाऊंगा, मे भी पक्का नहीं है। और चलो फिर बाय बाय।